तो गंदा काम कर रहा है। किसने किया था? सब पीने सुबह में, कहाँ के रहने वाला है ये? ये एक तो ही नहीं कोई रहने वाला फार्म पे ही, और एक वाका है कैमाड़ा का। अच्छा, क्या क्या हुआ था फिर? फिर हमारे साथ वह करा गंदा काम, क्या बोला था उन्होंने? कुछ ना बोला, और हमने थर्ड थर्ड इसी कहाँ ले गए थे आप? अच्छा, लगा, हमने अभिजीत बताई हूँ लेगा। फिर की गलत काम की, हाँ फिर आपने अपने परिवार को बताया? ना बताया, फिर कब बताया आपने? पता ना चला। जब मैं परसों दिन रोटी पड़ी खाट पे, जब मेरे पापा ने दूध देखा, जब मेरे पापा पतला हुआ, जब अस्पताल हूँ ले को, वो नर्स के नर्स ने बताई कि क्या बताया? कितने इसके बच्चे पेट में, महीने का है? 7.5 महीने, कितनी बार गंदी हरकत की आपके साथ में? अच्छा, 21 दिन बिना को, 1.5 साल से। फिर आपने पुलिस आई थी क्या? हाँ आई, क्या आपको धमका था? क्या वो क्या कहते थे? हाँ धमका था न, गए हमने अपने माँ बाप ने बताई तो तुम्हारे नाड़न काट काट फेंक देंगे। अच्छा, तो हाँ दोनों ने धमकाया। कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? कितना समय हो गया? हम क्या करते थे आप इस फार्म में? धोरण संगवा में, ठीक, ये भैया मैं चलो गए दूध लेने सप्लाई को, तो मैं बाजार से आयो, मो छोरी पाई लोटी, ये खाट पे लेटी पाई, मेरी निगाह गई पेट पे, तो मैंने की बेटी ई कहा या ने नहीं बताई, शर्माती ने नहीं बताई। बोलू जब मैं गयो किशनगढ़ तिंदौड़ी, वर तिंदौड़ी ने नर्स ने बच्चा बताया के पेट में 7.5 महीना को, वाह के बाद हूँ सुवायो में फार्म पे आदमी भेड़ा हुआ, बिरादरी ने दंड कर दियो 2 लाख रुपया को, तो कर दियो मैंने उनको दंड नहीं मानो। अब क्या हुआ था आपके अब बच्चे ये के? हुआ है, बच्चा पेट में है, एक के और एक के साथ किन बच्चा है, लोगों ने न गलत काम किया है? जाने कितना दिन होगा वो कोई पता मालूम कौन नहीं, कौन कौन लोगों ने किया है? सब पीर सुबान ये अच्छा, दो पुलिस आदमी है, तीसरा आदमी नहीं है, आई थी कि वहां पे पुलिस रिपोर्ट वुलिस कोई ना आई। अब आइए फिलहाल मोखा पे, दर्ज करा दी? हाँ रिपोर्ट करते हैं, अब आइए ठीक, मोखा क्या पे। बच्चियों को ये धमकाते थे क्या? धमकावे मारे डरावे, तेरा माँ बाप लो बताई तो काट देंगा, ये कर देंगा वो कर देंगा, तो इन्हें बोलो ना बताई, जो खूब बच्चा पेट में बढ़ गया जब हमारे पास सूचना आई है कि थाना इलाका क्षेत्र की दो सगी बालिकाएं हैं, उनके साथ दुष्कर्म की जानकारी आई है। इस संदर्भ में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और चूंकि मामला 376D का है तो तफ्तीश श्रीमान CO साहब को दी गई है, और इसमें मेडिकल प्रक्रिया चालू कर दी है, और मेडिकल रिपोर्ट आना अभी शेष है, और आगे का अनुसंधान CO साहब द्वारा किया जाएगा। सर, अभी इसमें जो आरोपी है वो भी फरार है, उनको गिरफ्तारी के लिए? आरोपी इसमें दो आरोपियों को उन्होंने बताया है, और दोनों आरोपियों की तलाश भी जारी है और अनुसंधान भी जारी है। सर, इसमें जो बालिका है वो प्रेग्नेंट भी है क्या? जी, अभी मेडिकल रिपोर्ट इसमें आना भी शेष है, मेडिकल की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम इसमें आगे जानकारी दे पाएंगे।